हेलो एवरी वन माई नेम इज त्रिवेश एंड यूर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो को बनाने में ना मुझे दो चैलेंजेस आए था फर्स्ट वन इज़ दिस वीडियो इज बेसिकली फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी की जो स्पीच है वो इंग्लिश के अंदर है पूरी ठीक है मैं कई बार जो मोस्टली मैं अपनी वीडियोज़ में रखता हूँ कॉन्टेंट वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होते हैं फिर मैं स्ट्रक्चर्स देखता हूँ इफ़ आई लाइक द दट्रक्चर्स इफ आई फाइंड दो स्ट्रक्चर्स यूजफुल फॉर माई ऑडियंस और फॉर द व्यूअर्स ऑफ माइंड तब मैं उन कॉन्टेंट uh, को उठाता हूँ लेकिन ये वीडियो जो थी पूरी ही और uh, इंग्लिश में कोई इसमें हिंदी नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन सेंटेंसेस वर्ड्स सब कुछ बहुत अच्छे थे काफ़ी कुछ था इसमें सिखाने के लिए और सीखने के लिए आप लोगों के लिए तो मुझे ये वीडियो उठानी ही पड़ी और मुझे काफ़ी चैलेंज आया एक्चुअली कि मैं इसको समझाऊंगा कैसे हिंदी में क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी थोड़े एडवांस लेवल के हैं क्योंकि बिल्कुल स्पोकन के हैं ये ठीक है ये किसी बुक के नहीं है किसी मूवी के डायलॉग्स नहीं है ये एक प्रॉपर एक स्पीच है और उसमें से मुझे उठाने में थोड़ा मुश्किल लगी है लेकिन मैंने उठा लिए हैं और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से पर मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर पाऊँ तो बहुत ध्यान से वीडियो को आपको देखना होगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी हो सकता है माइट बी कि ये थोड़ा लंबी हो जाए ठीक है लेकिन कोशिश करूँगा कि इसको शॉर्ट में ही निपटा दूँ मतलब नॉर्मल जो हमारा टाइम है उसमें ही निपटा दूँ ठीक है तो देखिए पहला सेंटेंस है मैंने लगभग पचास से ज़्यादा पूरी पूरी लंबाई वाली फिल्मों में अभिनय किया है ठीक है सेंटेंस कौन सा है कि या है या है ये है ये है और मैंने बताया हुआ है कि ऐसे सेंटेंस में आपको जो सेंस मिलेगा वो आपको परफेक्ट का सेंटेंस सेंस मिलेगा कि मैं कर चुका हूँ इस तरीके से सो so, सेंटेंस है मैंने लगभग पचास से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है लेकिन बनेगा कैसे कि मैं लगभग पचास से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुका हूँ इस तरीके से बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस है सो डूअर मेनवर्ड एक्शन डूअर कौन है यहाँ पे मैं आई मेन वर्ड क्या लगेगा परफेक्ट सेंटेंस में हैज हैव और आई के साथ लगेगा हैव आई हैव अब यहाँ पे एक्शन क्या है अभिनय करना अभिनय करना मतलब एक्ट ठीक है और एक्ट की थर्ड फॉर्म लगेगी एक्टेड ठीक है आई हैव प्लेड सम रोल्स इस तरीके से भी आ सकता है ठीक है आई हैव प्लेड दी कैरेक्टर्स ये भी हो सकता है लेकिन प्रॉपर टिपिकली जहाँ पे अभिनय करने की बात आ रही है वहाँ पे हम एक्ट लगाएंगे ठीक है सो आई हैव एक्टेड मैं अभिनय कर चुका हूं मैंने अभिनय किया है क्या इन अराउंड फिफ्टी प्लस ठीक है फिफ्टी प्लस का मतलब पचास से ज्यादा इस तरीके से मोर देन अराउंड मोर देन फिफ्टी ये भी हम बोल सकते हैं लेकिन प्लस भी एक बहुत अच्छा सेंस है स्पोकन में ज़्यादा आता है थोड़ा कैजुअल टर्म है ये ठीक है इन अराउंड फिफ्टी प्लस फुल लेंथ फिल्म अब यहाँ पे पूरी लंबाई वाली फिल्म ये तो शुद्ध हिंदी में आ गया जो शाहरुख ने बोला था फुल लेंथ फिल्म अब फुल लेंथ फिल्म क्या है कुछ शॉर्ट फिल्म भी होती हैं सीरियल्स भी होते हैं और टीवी पे वो भी आते हैं छोटे छोटे से कोई एपिसोड किसी चीज़ के सो so, उन सबको हटा के ये कह रहा है कि मैं लगभग फिफ्टी प्लस पूरी फिल्में कर चुका हूँ ठीक है जो पूरी पूरी फुल लेंथ की फिल्में होती हैं सो so, पूरा सेंटेंस क्या बना मैंने लगभग पचास से ज़्यादा पूरी लंबाई वाली फिल्मों में अभिनय किया है आई हैव एक्टेड इन अराउंड फिफ्टी प्लस फुल लेंथ फिल्म मैं अपने अंतिम शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ ठीक है अब देखो ता हीह है, है, है आ रहा है लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान यही होती है कि जो भी सेंटेंस होता है वो एक जर्नल होता है मैं वीडियोस बनाता हूँ मैं पढ़ाता हूँ तो आप मेरी वीडियोस रोज देखते हो ऐसे सेंटेंस के एंड में तातीत ता यह है, है, है आता है तो वो परफेक्ट सॉरी इंडेफिनिट सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकिन कई बार ताहत है, है का सेंस फ्यूचर के लिए भी मिलेगा और ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ ठीक है जैसे कि हम बात कर रहे हैं मैं और मेरे दोस्त बात कर रहे हैं और हम प्लान बना रहे हैं कल पार्टी के लिए ठीक है और मेरे किसी दोस्त ने बोला कि भाई कुछ भी कर लो राहुल तो नहीं चलेगा और मैं मैं बोला कि तुम टेंशन मत लो राहुल से मैं बात करता हूं। तो जब मैंने बोला राहुल से मैं बात करता हूं तो वो एक फ्यूचर की बात होगी घर जाके बात करूंगा कैसे भी है उस तरीके से मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ तो जर्नल काम नहीं है ये मैं करूंगा फ्यूचर में लेकिन हम हिंदी में है, लगा देते हैं आपको जरूरी है तो ये चीज़ मैं अपने अंतिम शब्दों के साथ कहा? समाप्त करता हूं इसका जर्नल काम नहीं है यह अब करेगा मतलब अभी पहले अपने अंतिम शब्द बोलेगा और फिर समाप्त करेगा तो यह सेंटेंस बनेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट ठीक है एक चीज तो ये समझ में आ गई यहाँ पे दूसरी चीज है यहाँ समझने वाली ख़त्म करना ठीक है फिनिश एंड ये तो चीज़ें हो ही गई हैं एक बहुत ही अच्छे टर्म है रैपअप ठीक है रैप अप बेसिकली रैपअप का मतलब क्या है जैसे हम कोई भी चीज़ मान ले आप कुछ सामान बना रहे हो तो जब आपका वो ख़त्म कब होता है जब आप उसकी रैप उसको रैप कर देते हो उसकी पैकेजिंग कर देते हो सो so, मतलब जब मैंने किसी चीज़ को रैप कर दिया तो मतलब वो चीज़ कंप्लीट हो गई सो so, रैपअप इस तरीके से बनाए ठीक है सो so सेंटेंस कौन सा है फ्यूचर इन डेफिनेट डू और मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन होगी क्योंकि ना नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है सो डू और मेन वर्ड एक्शन डूअर कौन है मैं आई मेन वर्ड क्या लगेगा विल एक्शन क्या है वह रैप अप सो आई विल रैप अप मैं ख़त्म करता हूँ इस तरीके से ठीक है आई आई विल अप विद माई लास्ट कपल ऑफ वर्ड्स अब कपल ऑफ जो टर्म है ये एक बहुत ही जर्नल चीज़ है ठीक है मतलब जहाँ पे स्पेसिफिकली ना हो लेकिन हाँ कुछ कुछ टाइम की कुछ दिनों की कुछ महीनों की कुछ लगा देते हैं ना हम सो फॉर सम इसकी जगह कपल ऑफ का यूज़ आप कर सकते हो ठीक है जैसे अब किसी ने मुझसे पूछा कि इसमें कितना टाइम लगेगा और मैं बोला कुछ दिन का तो टाइम लगेगा दो चार दिन का इस तरीके से सो इट विल टेक कपल ऑफ डेज ठीक है अगर कपल ऑफ डेज पे अगर सामने वाले को पता समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है कि कैन यू टेल मी अराउंड हाउ मेनी डेज एंड देन आई कैन टेल दैट यस इट विल टेक अराउंड फोर फाइव डेज ठीक है सेम गोज विथ कपल ऑफ वीक्स कपल ऑफ ईयर्स कपल ऑफ ईयर्स बैक मतलब दो चार साल पहले की बात बता रहा हूँ इस तरीके से सो so, मैं अपने अंतिम शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ आई विल रैप अप विद माई लास्ट कपल ऑफ वर्ड्स ठीक है लास्ट का मतलब अंतिम ठीक अभी भी माँच मुझे थोड़ा जुखाम है अब कल तक क्या था कल तक तो खांसी थी अब वो खांसी थोड़ी ठीक हुई है अब जुखाम हो गया क्यों क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी और कब की बात है दो दिन पहले की बात है सुबह के टाइम में बारिश हो रही थी और मुझे अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था आई वॉज गेटिंग लिटिल बिट लेट और मैंने सोचा कि चलो इतनी तेज़ अभी नहीं है सो आई लेफ्ट माई फ्लैट ठीक है जैसे ही मैं अपने फ्लैट से बाहर निकला थोड़ी दूर पहुंचा और बारिश थोड़ी तेज़ हो गई एंड आई कुड नॉट फाइंड एनी शेल्टर ऑल्सो कि मतलब कोई जगह हो जहाँ पे मैं नीचे खड़ा हो जाऊँ सो देर वॉज नो लाइक आई डेंट हैव एनी थिंग टू स्टैंड नियर बाय और मुझे वहाँ थोड़ा बहुत भीग जाना ही पड़ा सो फिर मैं थोड़ा तेज़ तेज चल के सामने ऑटोस थे वहाँ तक मैं गया और इतने में मैं काफ़ी ज़्यादा भीग चुका था और शाम होते होते मुझे ये ज़ुकाम हो गया ठीक है सो आप सब भी अपना ध्यान रखो बहुत केयरफुली रहो ठीक नेक्स्ट देखते हैं सबसे ज़रूरी मेरे दोस्तों खुद से प्यार करो ठीक है अब यहाँ पे जो सेंटेंस है बेसिकली वो यहाँ पे है खुद से प्यार करो इससे पहले क्या है सबसे ज़रूरी मेरे दोस्तों इसमें तो कुछ समझाने वाला है ही नहीं सबसे जरूरी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली या फिर फर्स्टली आप इस तरह से लगा सकते हो मेरे दोस्तों माई फ्रेंड्स खुद से प्यार करो अब ये सेंटेंस कौन सा है ये सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तो इसमें क्या होता है डू छुप जाता है अगर नेगेटिव होता है तो डू बाहर निकल आता है नॉट के साथ सो तो सिंपल है तो खुद से प्यार करो लव योर सेल्फ ख़ुद से मतलब योर सेल्फ सो लव योर सेल्फ सो पूरा सेंटेंस क्या बना सबसे ज़रूरी मेरे दोस्तों खुद से प्यार करो मोस्ट इंपॉर्टेंटली माई फ्रेंड्स लव योर सेल्फ इस जीवन में आपके लिए जो कुछ भी रखा है उसे अपनाओ ये भी सेंटेंस वही वाला है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं लेकिन यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी ठीक है जैसे पहला है यहाँ पे इस जीवन में आपके लिए जो कुछ भी रखा है उसे अपनाओ अब यहाँ पे इंग्लिश में बनाया है उसे अपनाओ को पहले लगा दिया ठीक है एम्ब्रेस एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगा देना ठीक है शामिल कर लेना अपने आप में समेट लेना अपना लेना इस तरीके से सो एम्ब्रेस अपना लो अपनाओ किस चीज को ऑल दैट दिस लाइफ हैज़ इन स्टोर फॉर यू ठीक है एम्ब्रेस ऑल सब कुछ अपना लो ठीक है दैट दिस लाइफ ठीक है जो दैट का यूज है यहाँ पे जो के लिए तो मैंने बताया हुआ विच का यूज कर सकते हैं यहाँ पे लाइफ की बात चल रही है जो के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं विच वॉट हु या फिर दैट या फिर इनमें से कुछ नहीं ठीक है विच आएगा किसी बात की बात के लिए एक काउंटेबल चीज़ के लिए वॉट आता है अनकाउंटेबल चीज़ के लिए who आता है किसी इंसान के लिए या तो इन तीनों के स्पेसिफिकली लगाओ या फिर आप इन तीनों की जगह दैट लगा सकते हो या फिर इन दोनों टर्म्स में से कुछ मत करो ऐसे ही छोड़ दो ठीक है इस तरीके से जैसे एम्बरेज ऑल विच दिस लाइफ एम्बरेज ऑल दैट दिस लाइफ एम्बरेज ऑल दिस लाइफ इस तरीके से तीनों तरीके मैंने बता दिए सो एमरेज ऑल समझ में आ गया सब कुछ अपनाओ सब अपनाओ ठीक है जो इस लाइफ ने रखा है संभाल के आपके लिए ठीक है इस तरीके से सो so, जो का मतलब यहाँ पे दैट का यूज़ लगा दिया मैंने विच का लगा सकते थे दोनों में से कुछ भी सो so, दैट अब यहाँ पे सेंटेंस बना इस लाइफ ने आपके लिए रखा हुआ है ठीक है इस तरीके से या फिर इस लाइफ ने आपके इस लाइफ में आपके लिए कुछ है इस तरीके से सो यहाँ पे एक्शन समझने वाली चीज़ है एक्शन क्या है यहाँ पे एक्शन है यहाँ पे हैव कि लाइफ के पास कुछ है ठीक है लाइफ के पास कुछ है यहाँ पे एक्शन है हमारा हैव ठीक है ठीके? और डूअर कौन है यहाँ पे डूअर है किसके पास है लाइफ के पास ठीक है सो ये मेरा डूअर है सेंटेंस कौन सा बनेगा प्रेजेंट का है तो मैंने बताया हुआ है जहाँ पे हैज़ हैव को हम एक्शन के तौर पे लेते हैं वो इंडेफिनिट टर्म में बनते हैं सो so, ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में डूअर है मेरा ये लाइफ दिस लाइफ एक्शन है मेरा हैव सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट अब फॉर्मेशन लगा दो डूअर मेन वर्ड और एक्शन की डूअर कौन है दिस लाइफ मेन वर्ड क्या लगा डस क्योंकि सिंगुलर टर्म है मेन वर्ड लगा डस एक्शन क्या है हैव डस छुपा हैव में क्या बनेगा हैज बन जाएगा सो दिस लाइफ हैज इस जिंदगी के पास है इन स्टोर रखा हुआ इस तरीके से इन स्टोर का मतलब रखा हुआ बचाया हुआ फॉर यू आपके लिए ये सेंटेंस इस तरीके से बना है समझना जरूरी था सो so, इस जीवन में आपके लिए जो भी रखा है उसे अपनाओ एम्ब्रेस ऑल दैट दिस लाइफ हैज इन स्टोर फॉर यू अपने दिल को उतना ही गहरा होने दो जितना गहरा सागर है ठीक है अब यहाँ पे दो चीज़ें आप समझने की कोशिश करना एज लॉन्गर एज़ ठीक है एज सिंपल एज जो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है काफ़ी टाइम हो गया है आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी एज़ के यूजेस के ऊपर तो मैंने हमें बताया हुआ है जब हम एक कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे ऐस का यूज़ आता है काफ़ी सारे यूजेस बताए हैं मैंने तो वन ऑफ द यूजेस ये भी है एक ठीक है सो so यहाँ पे जब हम को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं ठीक है तुम उतने ही समझदार हो जितना वो है सो यू आर एज स्मार्ट एज हिम इस तरह से ठीक है सो so एक चीज़ तो एज का यूज़ समझ में आया दूसरी चीज़ है यहाँ पर कोई चीज़ करने देना तो मैंने बताया हुआ ये सेंटेंस कौन से होते हैं ये सेंटेंस होते हैं बेसिकली इनडेफिनेट फॉर्म में ही होते हैं लेकिन यहाँ पे लेट लेट एक बहुत ही मेन यूज़ करता है जैसे उसे जाने दो लेट हिम को ठीक है उसे मत जाने दो डोंट लेट हिम को सो बेसिकली डू वाले सेंटेंस होते हैं ठीक है इस तरीके से समझो जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए ना करने के लिए बोलते हैं सो so, अपने दिल को उतना ही गहरा होने दो ठीक है सो लेट लेट का मतलब है करने देना होने देना इस तरीके से सो लेट योर हार्ट बी एज डीप एज एज डीप एज डीप इज ओशन अब यहाँ पे दोबारा डीप इज ओशन को लगाने की जरूरत नहीं थी अब शाहरुख ने इस तरीके से बोला तो मुझे इस तरीके से लिखना पड़ा लेकिन सही क्या रहता लेट योर हार्ट बी एज डीप एज ओशन ठीक है इन्होंने क्या बोला एज डीप एज ठीक है एज डीप एज डीप इज़ ओशियन इस तरीके से बोला लेकिन दोबारा डीप लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी मुझे लगता है कि शायद ये जल्दबाजी में मुंह से निकल गया होगा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये लिखा हुआ है उसमें से पढ़ के बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई वेस, आ, ऐसे कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक की कोई भी यहाँ पे गुंजाइश है ग्रामेटिकल मिस्टेक की कोई गुंजाइश है लेकिन बस इन्होंने बोलते बोलते क्योंकि पढ़ के जब हम कई बार बोलते हैं ना तो हम गलत बोल देते हैं एक बार को मैं बिना पढ़े बोल रहा हूँ ना तो शायद मैं सोच समझ के आराम से बोल दूंगा लेकिन पढ़ा हुआ हम कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते

यहाँ पे जैसे मैंने तीन चीज़ें बताई थी वॉट विच हु और हुम भी लग जाता है सेकेंड मैंने दैट का बताया थर्ड मैंने क्या चीज बताई दोनों को ही मत लगाओ सो so, यहाँ पे थर्ड वाली चीज़ की है शाहरुख खान ने ची अगर कोई जिसे आप प्यार करते हो इफ़ सम वन अगर कोई जिसे आप प्यार करते हो सो जिसे के लिए हु आना चाहिए था या होम लगा सकते थे लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लगाया है दोनों तरीके से बताओ और यहाँ दैट भी लगा सकते थे ठीक है सेंटेंस चालू हो रहा है मेरा यहाँ से जिससे आप प्यार करते हैं अगर कोई के लिए इफ सम वन लगाया सैड में रख दिया सेंटेंस है जिससे आप प्यार करते हैं सेंटेंस ये कौन सा है सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का ताहती है आ रहा है ठीक है जिससे के लिए क्या लगा सकते हो हु होम या दैट इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो चाहो तो कुछ मत लगाओ तो यहां पे कुछ नहीं लगाया है राइट right? सेंटेंस पकड़ा आप प्यार करते हो ठीक है आप प्यार करते हो so ये सेंटेंस कौन सा है प्रेजेंट डू और मेन वर्ड एक्शन और कौन है आप यू वर्ड लगा डू एक्शन क्या है प्यार करना लव डू छुपा लव में कोई चेंज नहीं आया ठीक है सो so तीन तरीके बता दू इफ यू लव इफ़ समन हु यू लव इफ समन दैट यू लव इम वन यू लव सबका मतलब एक है ठीक है अगर कोई जिससे आप प्यार करते हो अगला सेंटेंस वो आपको निराश करता है अब यहाँ पे फिर वो के लिए क्या लगाना चाहिए था दैट पर्सन ही और शी इस तरीके से लगाना चाहिए था लेकिन यहाँ पे वो के लिए भी कुछ नहीं लगाया सेम जैसे जो के लिए होता है वो के लिए भी ऐसा ही होता है या तो लगा दो या फिर कुछ मत लगाओ ठीक है या फिर दैट लगा दो तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाया सेंटेंस पकड़ा आपको निराश करता है ठीक है सो so, निराश करने के लिए पता क्या बोलते हैं हम लेट समवन डाउन जैसे मैं कैसे बोलूँ मुझे निराश मत करना डोंट लेट मी डाउन इस तरीके से सो लेट्स यू डाउन अब लेट्स यू डाउन क्या है ये पहली बात तो यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा ठीक है ये सिर्फ एल ई एल ई टी एस है ये ठीक सो दैट पर्सन लेट्स यू डाउन ठीक तो यहाँ पर डस छुपा हुआ है लेट के अंदर कि आपको निराश करता है ही मेक्स यू फील इस तरीके से जैसे मेक में डस्ट छुपा हुआ है ऐसे सो डूअर मेन वर्ड एक्शन यहाँ डूअर लगाया ही नहीं है वरना ही और शी दैट पर्सन दैट कुछ ना कुछ लगाना था लेकिन यहां पे क्या किया नहीं लगाया ठीक है फिर मेन वर्ड लगेगा डस एक्शन क्या है यहां पे उसको निराश करना लेट यू डाउन किसको निराश करने की बात है तो आपको सो लेट यू डाउन लेट के अंदर डस्ट शोभा लेट्स बन गया ठीक तो सेंटेंस क्या बनता है यहाँ पे पूरा इफ़ सम वन हु यू लव ही और शी या फिर दैट पर्सन लेट्स यू डाउन इस तरीके से बनता है लेकिन बहुत कंप्रेस लैंग्वेज में बोला शाहरुख ने इफ़ समन यू लव लेट्स यू डाउन अगर कोई जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको निराश करता है उस पर भरोसा करने के लिए खुद को दोष मत दो अब ये सेंटेंस कौन सा है जहाँ पे हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं ठीक है मैंने बताया था अभी जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तो उसके अंदर क्या होता है डू छुपा हुआ होता है लेकिन ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी आर सेइंग सम नॉट टू डू समथिंग मतलब जब हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं सो वहाँ पर क्या होता है डू बाहर निकल आता है नॉट के साथ अब एक चीज़ और मुझे याद आ गई एक मेरे आ, कोई सब्सक्राइबर होंगे व्यूअर होंगे सो ही मतलब उन्होंने क्या कमेंट किया था एक कि सर आप भी ना जो भी चीज़ हिंदी में बोलते हैं वो भी इंग्लिश में बोलो यार मैंने मतलब आप ख़ुद एक चीज़ का सेंस बताओ कि मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ और मैं अगर पूरा ही इंग्लिश में बोलने लग जाऊँ तो सीखोगे कैसे तो मुझे तो पहले आपके आ, एक मतलब हम दोनों को एक सेम पेज पे होना पड़ेगा ना मैं तो बोल लूँगा मुझे कोई इशू नहीं है लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा हम सेम पेज पर पे हैं ही नहीं मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश ही बोले जा रहा हूँ आपके कन्फ्यूजन क्या हैं मुझे वो पकड़ने होंगे मुझे उस तरीके से समझाना होगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है आप खुद देखो कि ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जो इंग्लिश सिखा रहे हैं और इंग्लिश में ही बोल रहे हैं वहां पर स्टार्टिंग के जो उनके नई वीडियोज होंगी वहां पर आपको कॉमेंट्स मिलेंगे कि सर हमें इंग्लिश ही सीखनी है आप इंग्लिश में ही बोले जा रहे हो कैसे सीखेंगे हम लेकिन फिर वो अपने लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं और उनके चैनल पर आप जो कॉमेंट देखोगे वो मोस्टली सारी उनको लेसन से कुछ लेना देना नहीं होता इंग्लिश में वैसे ही पढ़ी

उस पर भरोसा करने के लिए खुद को दोष मत दो तो यहाँ पे क्या होगा डू बाहर निकल के आएगा नॉट के साथ अब यहाँ पे दोष देना ये एक टर्म है अगर यहाँ पे होता कि खुद को दोष दो तो दोष देने वाले टर्म के अंदर डू छुप जाता कोई चेंज नहीं आता डू नॉट बाहर आया इसके बाद आएगा दोष देना ठीक है सो दोष देने को हम बोलते हैं फॉल्ट ठीक है जैसे हम बोलते हैं ना इट्स योर फॉल्ट ये तुम्हारी गलती है सेम ऐसे बोलते हैं कि डू नॉट फॉल्ट मी मतलब मुझे दोषी मत ठहराओ इस तरीके से ठीक है मुझे दोष मत दो ठीक है सर डोंट फॉल्ट योर सेल्फ डो नॉट फॉल्ट योर सेल्फ खुद को दोष मत दो ठीक है डो नॉट फॉल्ट योर सेल्फ किस चीज़ के लिए उस पर भरोसा करने के लिए अब भरोसा करना नानी ने वाला सेंस आ गया ठीक है भरोसे को हम ट्रस्ट बोलते हैं भरोसा करना इस तरीके से ठीक है आई ट्रस्ट हिम मैं तुम पर भरोसा करता हूँ एक तो तरीका ये हो गया ठीक है मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था इस तरीके से सो so, यहाँ पे जैसे उस पर भरोसा करने के लिए ठीक अब यहाँ पे लिए वाला जो टर्म आया है करने के लिए टू लगाओगे तो ट्रस्ट में आईएनजी नहीं लगेगा फॉर लगाओगे तो लगेगा ठीक है लिए वाले सेंस के लिए डू नॉट फॉर योर फॉल्ट योर सेल्फ फॉर ट्रस्टिंग हिम और हर अब हिम और हर का मतलब क्या होता है यहाँ पे दोनों आ जाते हैं लड़का या है लड़की सो so, हिंदी में जब हम ऐसे बोलते हैं ना उसके लिए अब यहाँ पे तो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते इंग्लिश में तो हमें बोलना पड़ेगा हिम या हर ठीक है आई के मैं उन पर भरोसा नहीं करता है कै नॉट ट्रस्ट हिम अब हो सकता है वो लड़कियों सो हिम और हर का यूज़ दोनों से होता है हिंदी में उस बोल देते हैं इंग्लिश में नहीं बोल सकते सो डो नॉट फॉल्ट योर सेल्फ फॉर ट्रस्टिंग हिम और हर सेम डो नॉट फॉल्ट योर सेल्फ टू ट्रस्ट हिम और हर फॉर का यूज़ ज़्यादा सही रहेगा वैसे आप कभी नहीं जानते कि भविष्य क्या लाएगा अब देखो ये तो एक टिपिकल हो गया कि जो शाहरुख ने बोली इंग्लिश में लाइन उसकी एकदम सिंपल हिंदी में बनाऊंगा तो यही बनेगी लेकिन इसका एक मतलब होता है कि यार आपको नहीं पता कि भविष्य में क्या है भविष्य में क्या होगा इस तरीके से ठीक है सो ये यहाँ पर एक पूरा एक स्ट्रक्चर ही यही है यू नेवर नो यू नेवर नो का मतलब होता है आपको नहीं पता यार कुछ आपको कभी नहीं पता कुछ नहीं पता इस तरीके से यू नेवर नो ठीक है क्या पता ये जो हिंदी में हम बोलते हैं ना क्या पता नेवर वी नेवर नो क्या पता ऐसा कुछ हो जाए इस तरीके से सो so, आप कभी नहीं जानते आपको कभी नहीं पता या फिर क्या पता यू नेवर नो भविष्य क्या लाएगा ठीक है अब यहाँ पे हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे हम बात की बात बता रहे हैं ठीक है सो so, जब हम अगर सवाल पूछ रहे होते सो so फॉर्मूला क्या बनता मेरा क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड डूअर और एक्शन यहाँ पे एक्शन है लाना ठीक है और उसको ला कौन रहा है भविष्य सो so भविष्य मेरा यहाँ पे डूअर है ये चीज़ समझ लो सो so अगर मैं सवाल पूछ रहा होता सो क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड डूअर और एक्शन वॉट विल फ्यूचर ब्रिंग इस तरीके से बनता लेकिन लेकिन जब मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं तो वॉट लगेगा बाकी सेंटेंस नॉर्मल बनेगा डूअर मेनवर्ड एक्शन डूअर कौन है वॉट के बाद क्या आएगा डूअर फ्यूचर फिर मेन वर्ड विल फिर ब्रिंग वॉट फ्यूचर विल ब्रिंग ठीक है जैसे कि मैं एक बार बोलूं मैंने किसी से पूछा कि तुम कहाँ जाते हो ठीक है तुम कहाँ जाते हो ठीक है सो so ये चलो इसमें तो डू छुप जाएगा कन्फ्यूज हो जाओगे मैंने बोला कि मुझे आ, कि तुम कहाँ जा रहे हो सो वेयर आर यू गोइंग ठीक है वेयर के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद मेन वर्ड आया वेयर आर यू गोइंग फिर डूअर आया फिर एक्शन आया ठीक अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो अब जब मैंने दूसरी लाइन बोली यहाँ पर मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो तुम्हें तो यहाँ सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आई नो वेयर यू आर गोइंग फिर वेयर आर यू गोइंग नहीं आएगा लोग ऐसी गलती कर देते हैं बट स्टॉप डूइंग सच स्मॉल मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ सेंग की Where आर यू गोइंग इस जगह पे आप बोलेंगे वेयर यू आर गोइंग ठीक है जब आप सवाल नहीं पूछ रहे हो ठीक तो सेंटेंस क्या बना आप कभी नहीं जानते हैं कि भविष्य क्या लाएगा सो यू नेवर नो वॉट फ्यूचर विल ब्रिंग वॉट विल फ्यूचर ब्रिंग नहीं आएगा वॉट फ्यूचर विल ब्रिंग आएगा <coughs> कल होगा या नहीं ठीक है ये सेंटेंस कैसे बनेगा ऐसी जगहों पे हम वेदर का यूज करते हैं वेदर ठीक है वेदर का मतलब चाहे शायद उस तरीके से जाता है ठीक है अब सेंटेंस बनेगा यहाँ कल होगा कि नहीं इस तरीके से मतलब कल होगा कि नहीं तो हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस की बात कर रहे हैं पहली बात तो ये समझ में आ रही है दूसरी बात यह समझ में आ रही है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं ठीक है अब अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज एम आर पास्ट की बात करते हैं वर फ्यूचर की बात करते हैं तो विल बी देयर का यूज़ होगा सो देयर उसके तुरंत बाद आएगा मेन वर्ड देयर विल बी क्या कल और परसों तो कल होगा या नहीं सॉरी कल होगा या नहीं सो देयर विल बी अ टुमारो और नॉट ठीक है इस तरीके से दूसरा तरीका यह था अ टुमोरो विल बी देयर और नॉट इस तरीके से बन जाता ठीक है तो पूरा सेंटेंस क्या बना कल होगा या नहीं वेदर देयर विल बी अ टमोरो और नॉट कल हो ना हो नामक फिल्म में चौंकाने वाली कम उम्र में मेरी मृत्यु हो गई ठीक है इस तरीके से सेंटेंस पकड़ते हैं डूअर से मेरी मृत्यु हो गई इस तरीके से एक चौंकाने वाली उम्र में कल होना हो नामक फिल्म में ये हम इस तरीके से बनाएंगे सो मेरी डूअर सेंटेंस पकड़ते हैं ठीक है सो कौन सा सेंटेंस है मेरी मृत्यु हो गई कौन सा सेंटेंस है ये ये सेंटेंस है आपका पास्ट एंड सो डूअर मेन वर्ड एक्शन डूअर कौन है मेरी हुई थी सो मेन वर्ड क्या लगेगा डिड एक्शन क्या है मरना मृत्यु होना डाय डिड छुपा डाय में डाइड बन गया आई डाइट मैं मर गया एक चौंकाने वाली उम्र में एट द शॉकिंगली यंग एज चौकाने वाली कम उम्र में एट अब उम्र के लिए हम एट का यूज़ कर देते हैं आई डाइड एट दि शॉकिंगली चौंकाने वाली सरप्राइजिंगली बोल सकते हैं लेकिन सरप्राइजिंगली थोड़ा नॉर्मल रहेगा शॉकिंगली मतलब मरने के लिए हम शॉकिंग लगाएंगे ना एट दिस शॉकिंगली यंग एज ठीक है एक चौंकाने वाली कम उम्र में uh, कल होना ना कल हो ना हो नामक मूवी में ठीक है अब नामक के लिए मैंने कई बार बताया हुआ है कॉल्ड या नेम्ड आप इनका यूज करेंगे ठीक है सो यहाँ पे कॉल्ड का यूज़ किया है इन अ मूवी एक फिल्म में कॉल्ड कल हो ना हो ठीक है कल हो ना हो नामक इस तरीके से नेम्ड भी आप लगा सकते हो नेम्ड और कॉल्ड दोनों चलेंगे सो so सेंटेंस बहुत सिंपल है ये बस सुनने में से ही सुनने में ही थोड़ा सा टफ लगा होगा सो सेंटेंस पूरा क्या बना कल हो कल हो ना हो नामक अच्छा कल हो ना हो इस, इसकी राइम है इस तरीके से ना मैं कल हो ना हो करता हूँ so, सो कल हो ना हो इस तरीके से सो so, कल हो ना हो नामक फिल्म में चौंकाने वाली कम उम्र में मेरी मृत्यु हो गई आई डाइड एट द शॉकिंगली यंग एज इन अ मूवी कॉल्ड कल हो ना हो दूसरा तरीका क्या था इसको इसको बनाने का क्या था सोचो जरा इन अ मूवी कॉल्ड कल हो ना हो कल हो ना हो इन अ मूवी कॉल्ड कल हो ना हो आई डाइड एट दिस शॉकिंगली यंग एज ये इस तरीके से भी बन सकता था ठीक है और मैं फिल्म में धूम्रपान करने वाला इंसान भी नहीं था ठीक है मतलब मैं एक स्मोकर भी नहीं था इस तरीके से अब देखो हिंदी में भी कहां लग रहा है एक स्मोकर भी नहीं था ठीक है एक स्मोकर के बाद आ रहा है स्मोकर मतलब धूम्रपान करने वाला इंसान सिगरेट पीने वाला इंसान सो एक स्मोकर भी नहीं था अब भी कहाँ आ रहा है स्मोकर के बाद इंग्लिश में ईवन लगेगा इसके लिए और ईवन कहाँ लगेगा स्मोकर से पहले एक छोटा सा रूल है ईवन लगाने का याद रखना बहुत काम आएगा हिंदी में जिसके बाद भी लग रहा हो इंग्लिश में उससे पहले ईवन लगा देना ठीक है सो फिलहाल के लिए भी इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें समझ में तो आ गया कहाँ लगाना है सेंटेंस पकड़ते हैं मैं फिल्म में धूम्रपान करने वाला इंसान नहीं था ठीक है तो ये सेंटेंस कौन सा है ये है आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस सिंपल पास्ट का जहां पे कोई एक्शन नहीं है बस एक कंडीशन की एक स्टेट की बात कर रहे हैं फॉर्मूला क्या बनेगा किसकी बात कर रहे हैं मेन वर्ड नॉट और वो क्या नहीं था किसकी बात कर रहे हैं मैं नहीं था सो आय मेन वर्ड वॉज उसके साथ नॉट अब मैं क्या नहीं था धूम्रपान करने वाला इंसान आ स्मोकर ठीक है इस उस फिल्म में इन द फिल्म में इन द फिल्म ठीक है सो आई वॉज नॉट अ स्मोकर इन द फिल्म मैं फिल्म में धूम्रपान करने वाला इंसान नहीं था अब जो भी लगा हुआ है धूम्रपान करने वाला इंसान भी नहीं था ठीक है तो यहाँ पे इवन कहा लगेगा स्मोकर से पहले ठीक है सो आई वॉज नॉट ईवन ए स्मोकर इन द फिल्म ठीक है इस तरह से लेकिन मैंने अपने दो बच्चों को इसे अंत तक देखने नहीं दिया अच्छा जी सो so यहाँ पे एक्शन समझने वाली चीज है एक्शन है यहाँ पे कोई चीज करने देना मतलब लेट ठीक है ये समझ लो यहाँ पे यहाँ पे वॉच नहीं है आ, मैंने वो चीज़ नहीं करने दी सो करने देना यहाँ पे एक्शन है सो मेरा एक्शन है यहाँ पे लेट सेंटेंस कौन सा है सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनेट ठीक है लेकिन के लिए बट लगा के साइड में रख देते हैं मैंने अपने दो बच्चों को इसे अंत तक नहीं देखने दिया ठीक है पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस है एक्शन हमारा लेट है और फॉर्मूला क्या लगेगा डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन या तो ये लगेगा क्योंकि नहीं आ रहा है दूसरी चीज़ कभी नहीं ठीक है अंत तक नहीं देखने दिया तो नेवर भी आप लगा सकते हो नेवर भी यहां लगा सकते हो लेकिन अगर नेवर लगाओगे तो ना तो नॉट बाहर आएगा ना ही डिड बाहर आएगा मैं देखो दोनों तरीके से बताने की कोशिश करता हूं और एक चीज आप यहां पे यह समझो लेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म लेट ही होती हैं तो यहां पे क्या हुआ है यहां पे नेवर ले लिया है ठीक है कभी नहीं के लिए आई नेवर ठीक है डिड छुपा हुआ है लेट के अंदर क्योंकि लेट है एक्शन और लेट की सेकंड फॉर्म है लेट वो यहाँ पे लगी हुई है आई नेवर लेट माई टू चिल्ड्रन वॉच इट टिल दी एंड ठीक है मैंने अपने दो बच्चों के से अंत तक नहीं देखने दिया अब इसको थो थोड़ा थोड़ा सिंपल करते हैं डिड नॉट लगा कर चलते हैं सो so, यहाँ पे आई डिड नॉट लेट माई अब ये जो डिड नॉट के बाद लेट आए ये लेट की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि लेट की तीनों फॉर्म यही होती हैं राइट right? अगर यहाँ नेवर नहीं होता ठीक है कि मैं अपने बच्चों को मैंने अपने बच्चों को देखने दी सो so, आई लेट माई चिल्ड्रन डेढ़ छुपा हुआ सेम बना हुआ सेकंड तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है आई नेवर लेट माई टू चिल्ड्रन वॉच इट टिल दी एंड मैंने अपने दोस्त करण से पूरे अलग अंत के लिए कहा खासकर उनके लिए मतलब उन अपने बच्चों के लिए तो यहाँ पे किसी को कोई काम करने के लिए, के लिए कहना ऑर्डर नहीं देना सिर्फ कहना उसके हम बोलते हैं आस्क ठीक है वहां पे आस्क का यूज होता है तो यहाँ पे एक्शन है मैंने कोई चीज करने के लिए कही सो so आस्क है मेरा यहाँ पे एक्शन पास्ट इंडेफिनिट का है सेंटेंस सो डू और मेन वर्ड एक्शन डू और कौन है मैने आई वर्ड क्या लगेगा डिड एक्शन क्या है कहना आस्क सो आस्क में डिड छुपा आस्क बन गया आई आस्क मैंने कहा किससे आई आस्क माई फ्रेंड करण मैंने अपने दोस्त करण से कहा किस चीज के लिए फॉर होल न्यू ऑल्टरनेट एंडिंग मतलब जो पूरी एंडिंग है उसको बिल्कुल अलग करने के लिए ठीक है तो फॉर होल न्यू ऑल्टरनेट एंडिंग ऑल्टरनेट का मतलब होता है इसके अलावा इससे अलग ठीक है करण से पूरे अलग अंत के लिए कहा ठीक है पूरी जो एंडिंग है उसको अलग से बनाने के लिए कहा स्पेशली फॉर देम, स्पेशली मतलब खास कर फॉर दैम उनके लिए अपने बच्चों के लिए बोल रहा है ये so, सो पूरा सेंटेंस क्या बना मैंने अपने दोस्त करण से पूरे अलग अंत के लिए कहा खासकर उनके लिए आई आस्क माई फ्रेंड करण फॉर होल ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट का मतलब होता है अलग ऑल्टरनेट एंडिंग स्पेशली फॉर देम पर अब वो बड़े हो गए हैं ठीक है बड़े हो गए हैं बड़े हो चुके हैं यहाँ पे आप इस सेंटेंस को चाहो सो प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हो चाहो तो सिंपल प्रेजेंट में बना सकते हो दे आर ग्रोन अप ठीक है वो इस कंडीशन में है कि वो बड़े हुए हुए हैं दूसरा तरीका है दे हैव ग्रोन अप जब मैंने बोला दे हैव ग्रोन अप तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है डूअर मेनवर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म ठीक है सो डूअर कौन है वे दे मेनवर्ड लगेगा हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म ग्रो अप की ग्रोन अप बट नाउ दे हैव ग्रोन अप तो पूरा सेंटेंस क्या बना पर अब वो बड़े हो गए हैं बट नाउ दे हैव ग्रोन अप वो लगभग उतने ही बड़े हैं जितने आप हैं अब देखो फिर वहां पे यहाँ पे एक कंपैरिजन आया ठीक है तो जैसे मैंने बताया था कि तुम उतने ही समझदार हो जितना वो है सो यू आर एज स्मार्ट एज हिम इस तरीके से सेम यहाँ पे भी वही कि वो उतने बड़े हुए हैं जितने कि आप हो ठीक है लगभग को अभी आप साइड के लिए हटा दो लगभग के लिए सेंटेंस पकड़ो वो उतने ही बड़े हैं जितने आप है ठीक है सो पहले क्या आता है किसको हम कंपेयर कर रहे हैं ठीक है फिर वर्ड आता है ठीक फिर एज आएगा फिर वो क्वालिटी आएगी फिर एज आएगा फिर वो इंसान आएगा जैसे कि तुम उतने ही समझदार जितना वो तो किसको किसकी बात कर है पहले तुम्हारी किसको कंपेयर करें तुमको सो so यू फिर क्या आएगा मेन वर्ड आर फिर क्या लाएगा एज़ यू आर एज़ फिर किस क्वालिटी को ले रहे हैं स्मार्ट यू आर एज स्मार्ट फिर एज और फिर जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसकी तरह स्मार्ट हो हिम सिंपल फॉर्मूला है सेम फार्मूला यहाँ लगेगा वो उतने ही बड़े हैं जितने आप हैं किसकी बात करें वो की दे मेन वर्ड लगेगा आर फिर लगाया एस अब वो क्या है बड़े हैं, ग्रोन अप ठीक है फिर क्या लगाया एस फिर किससे कंपेयर कर रहे हैं आपसे यू और फिर एक मेन वर्ड आएगा आर ठीक है सो दे आर एज ग्रोन अप एज यू या तो यहाँ पे खत्म कर दो या फिर दे आर एज ग्रोन यू आर ये भी सही है ठीक है अब लगभग जो है ये लगेगा आपका पहले वाले से पहले दे आर नियरली एज ग्रोन अप एज यू आर ठीक है इस तरह से so, ये sentence बहुत सिंपल था बस फॉर्मूला समझना था वो जल्द ही अपनी खुद की चमत्कारी यात्रा पर निकल पड़ेंगे ठीक है निकल पड़ेंगे वो जल्दी ही ठीक सो दे विल बी मतलब वो एक चमत्कार यात्रा पर होंगे ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा चल रहे होंगे ठीक है उस तरीके से सेंटेंस बनाया ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है कि वो उस राह पे चल रहे होंगे उस राह पर होंगे सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फिलहाल आप जल्द ही इसको साइड में रख दो ठीक है जल्द ही वाले जो टर्म है इसको साइड में रख दो वे अपनी खुद की एक चमत्कार यात्रा पर निकल पड़ेंगे आप ये सेंटेंस पकड़ो सो डूअर मेन वर्ड एक्शन डूअर कौन है वे दे मेन वर्ड विल बी ठीक है एक्शन क्या है यहाँ पे निकल पड़ना सो दे विल बी ऑन लगा सकते हो आप दे विल बी मूविंग ऑन लगा सकते हो आप तीसरा था एम्ब्रेसिंग एम्ब्रेसिंग का मैंने बताया भाई गले लगा लेना मिल जाना तो so, ये एक सेंस लेकर चला है और यहाँ पे एम्बार्क एम्बार्क का भी यूज कर सकते हैं वो भी शुरू करना होता है एम्ब्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं एम्ब्रेस है. का, है. का मतलब होता है उसको गले लगा लेना उसको आ, आ, उसमें मिल जाना ठीक है सो दे विल बी एम्ब्रेसिंग ऑन अ वंडर अच्छा वंडरस ठीक है वंडरस का मतलब चमत्कारिक चमत् इस तरीके से सो ऑन अ वंडरस जर्नी ऑफ देयर ओन देयर ओन का मतलब खुद की ठीक है इट दिस इज माई ओन ये मेरी खुद की है सो ऑफ देयर ओन अपनी खुद की इस तरीके से ठीक है अब जो टर्म बची जल्द ही इसके लिए हम यूज करेंगे सून अब कायदे में सून कहाँ लगना चाहिए था एक्शन से पहले मैंने कई बार बताया हुआ है एक्शन क्या है एम्ब्रेस इससे पहले लगना चाहिए था कि दे विल बी सून एम्ब्रेसिंग इस तरीके से बनना चाहिए था लेकिन शाहरुख ने क्या बोला दे विल सून बी ठीक है उन्होंने ऐसे बोला अब ये जो टर्म है ये गलत वैसे तो नहीं है लेकिन देखने जाओगे मतलब स्पोकन में ग्रामेटिकली एक वो एरर है जो एक्सेप्ट कर सकते हैं ठीक है वो वाली चीज है लेकिन कायदे में लगाना चाहो तो कहाँ लगाएंगे इसको हम एम्ब्रेसिंग से पहले लगेगा सोन वो टर्म सही होगी सो वे जल्द ही अपनी खुद की एक चमत्कारिक यात्रा पर निकल पड़ेंगे दे विल बी सून इस तरीके से होना चाहिए था यहाँ लिखा हुआ है दे विल सून बी एम्ब्रेसिंग ऑन अ वंडरस जर्नी ऑफ देयर ओन उन्हें जीवन से बचाने की कोशिश करने के बजाय के बजाय हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ़ और इंस्टेड ऑफ के बाद जो आता है एक्शन किस चीज़ के बजाय उसमें उसमें आईएनजी आता है कोशिश करने की सो इंस्टेड ऑफ़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लाइफ ठीक है इंस्टेड ऑफ़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लाइफ अगर मैं किसी को बोलूँ कि मेरी वीडियो पर उल्टी सीधी कॉमेंट करने की जगह उसको समझने की कोशिश करो सो इंस्टेड ऑफ़ कॉमेंटिंग इस तरीके से सो इंस्टेड ऑफ़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लाइफ उन्हें जीवन से बचाने की कोशिश करने की बजाय मेरा सबसे समझदार और पुराना वर्जन उन्हें बताने का हर मौका लेता है उन्हें बताने का हर मौका पकड़ता है सो so, यहाँ पे ग्रैब का यूज़ होगा मौका पकड़ना ग्रैब ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी इस तरीके से ग्रैब दी चांस ठीक है सो so यहां पे डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है एक्शन क्या है मौका लेता है मौका पकड़ता है ये है मेरा एक्शन इसको करने वाला होगा डूअर कौन पकड़ता है मेरा सबसे समझदार और पुराना वर्जन तो ये मेरा यहाँ पे डूअर है सो द वाइजर एंड ओल्डर वर्जन ऑफ मी ये मेरा डूअर है अब ये सिंगुलर टर्म है मेन वर्ड लगेगा डज एक्शन क्या है पकड़ना ग्रैब करना डज ग्रैब डस छुपा ग्रैब में और वो ग्रैब्स बन गया ठीक है ग्रैब्स पकड़ता है क्या एवरी चांस टू टेल देम हर मौका उन्हें बताने का ठीक है सो पूरा सेंटेंस क्या बना मेरा सबसे समझदार और पुराना वर्जन उन्हें बताने का हर मौका लेता है पकड़ता है द वाइजर एंड ओल्डर वर्जन ऑफ मी ग्रैब्स एवरी चांस टू टेल देम इस पल में जितना हो सके जियो अब ये सेंटेंस कौन सा है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं सिंपल है ना तो नेगेटिव है कुछ नहीं है तो डू छुपेगा ठीक है इस पल में जितना हो सके जियो लिव एज हार्ड एज यू कैन इन दिस वेरी मोमेंट अब यहाँ पे वेरी का यूज है इस पल के लिए तो वेरी का यूज इसके लिए भी होता है ठीक है दिस वेरी पर्सन ये वाला इंसान ऐसे ठीक है वो वाला ठीक है वन भी यूज करते हैं दिस वन और दिस वेरी दोनों यूज होते हैं ठीक है सो लिव एज हार्ड एज यू कैन का मतलब होता है जितना अच्छे से तुम जी सको ठीक है जितना हो सके इस तरीके से सो लिव एज हार्ड एज यू कैन इन दिस वेरी मोमेंट इस पल में जितना हो सके जियो So, ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी कोई डाउट है कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जाइए वहां मुझसे पूछिए वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए नए हैं लाइक सब्सक्राइब न कीजिए थैंक यू